أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी वेट की हिस्ट्री है कि 1795 में उस टाइम के जितने भी बड़े बड़े मैच के इंस्ट्रक्टर थे ना, वो सारे सात बैठे थे. फिर उन्होंने डिसाइड करा था कि आज से चार पहले होते थे मेगाग्राम किलोग्राम मिलीग्राम. ठीक है, और उन्होंने डिसाइड करा था. लेकिन जो मेगाग्राम होता था उसके लिए आपको क्वान्टिटीज आ चाहिए, तो वो उस तरह से डेली बेस में यूज़ होता था. किलोग्राम में चावल चीनी का हो जाता था और ग्राम में हो जाता था. लेकिन और जो मिलीग्राम होता था ना, वो बहुत कम उसमें होता था. तो उसे जब आगे आगे आते थे ना, तो उसमें सिर्फ किलोग्राम और ग्राम यूज़ होना शुरू होता था, क्योंकि वो डेली बेस में ज़्यादा यूज़ होता. अच्छा, अब मैं ना आपको कन्वर्जन करके दिखाऊँगी. अगर हम केजी टू ग्राम्स करते हैं ना, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से. और अगर हम ग्राम्स टू केजी करते हैं, तो हम उसको डिवाइड करते हैं 1000 से. अब आप मुझे कोई भी नंबर दे, तो फिर मैं ऐसे करूँ. कोई भी नंबर दे दूँ? श्योर. मैं केजी में दूँ कि ग्राम में दूँ? वो आपकी मर्जी है. मेरी मर्जी है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि थ्री किलोग्राम ये क्या है, मिलीलीटर से लीटर में करें? अच्छा, और अगर 3 grams हो और 100 kilograms में कर रहे हैं? अगर 3 grams हो हाँ, तो उसको हम जबरदस्त उसको मिला के 90 का एक सिक्सटी का, और यहाँ पर 30 का, यहाँ पर बना 90 का एंगल. और सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180, और सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 का. दो सम्स मिला के बनते हैं 180 का. जैसे यहाँ पे एक 120 का एंगल है, 60 का एंगल है, ये बना आपका 180 का एंगल. यानी हमने दोनों साइड से मेजर कर लिया, इधर भी और इधर भी, तो ये आपका 180 का एंगल. और ये हमने प्रोजेक्ट बनाया, इसमें अगर आप कोई सा भी, जैसे ये आपका हुआ रिफ्लेक्स एंगल. अच्छा, इस प्रोडक्ट से आप इजीली एंगल्स मेजर कर सकते हैं. यू नीड अ डी फॉर इट. ये एक काइंड ऑफ आपका डी बना दिया अपने हाथ का बना. तो वेरी नाइस. हमारे पास है ना 4 किस्म की रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं. एक ये एक्यूट एंगल हो गया, और ये अब्ड्यूज हो गया, और ये बहुत सी आपकी डेली लाइफ में भी आती है. जैसे कि ज़मीन में आपको दिख जाएंगी सही, और स्ट्रेट एंगल आपको मतलब रोड हो गया. जैसे हम टेबल बना रहे हैं, तो हमें स्ट्रेट एंगल राइट एंगल चाहिए होगा ना, ताकि टेबल सीधी रहे, वरना टेबल टेढ़ी होगी. फिर हम पानी रखेंगे, मतलब चले पानी बह रहे चाय गिर रही है ना, वी नीड राइट एंगल फॉर द टेबल. ये रहे हैं, आपको दिखाते हैं. इसकी सेंटीमीटर ये 18 सेंटीमीटर की है. 18 सेंटीमीटर की. पूरा प्लान करा, फिर हमने पहले चूज़ करी कौन सी बिल्डिंग बनानी है, एजुकेशन बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग. तो हमने एजुकेशन ही करी, तो हम भी स्कूल में ही, हमने भी स्कूल ही बना लिया. सोचा ये प्ले ग्राउंड है, यहाँ पर लाइब्रेरी है, बी क्वाइट है. तो ये इसके अंदर हमने मेनली फोकस करे शेप्स करने, देखते हमने पैटर्न यूज़ करे, हर जगह शेप ही शेप है, ये भी एक शेप है. तो इसके अंदर हमने करे क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर फोकस, वो आ गया 70 किलोग्राम. क्वाड्रिलेटरल्स मतलब 4 साइड्स, क्वाड मतलब हाफ, क्वाड मतलब 4, एंड लिटल्स मतलब साइड्स. क्वाड्रिलेटरल्स ऐसा कोई भी शेप जिनकी 4 साइड्स है, वो क्वाड्रिलेटरल्स कहलाता है. जैसे ट्रापीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हिल, काइट एंड रोम्बस. कैसा आपने मेरे दोस्त को ऐसे बताया होगा कैसे इन लोगों ने अभी बहुत सारी शेप्स बनाए, और सारे शेप्स ये रही, और उनके डेफिनेशन भी ये रही. और जो होते हैं, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना,
उसके फोर साइड्स होते हैं, कैसे आप यहाँ देख सकते हैं सारे यहाँ फोर साइड्स है, कैसे ये एक साइड ये एक साइड पर दो साइड ये चार हो गई, किसकी चार शेप्स चार साइड्स होती है ना, कैसे ये देख सकते हैं आप यहाँ इसकी चार साइड्स है तो ये भी बनेगा, किसकी चार साइड्स होती है वो बनता है कोटिलीडर्स सर। ये आप देख सकते हैं हम लोग ने डब्बे बनाए सर, ये डब्बे 3D है ना, देखिए जी सर अमीन ये डेली लाइफ मतलब डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं, जिस तरह आप स्कूल में भी देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह कॉरिडर्स हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें भी ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स होती है वो कॉरिडर शेप में बनी होती है, जो मतलब जो हर चीज़ जो भी चीज़ आपको चार साइड की नजर आएगी वो कॉरिडर की लाएगी सर। ये पूरा ये जो पूरे स्क्वायर बने हुए हैं, उसके अलावा विंडोज स्क्वायर और ये टेबल टॉप बहुत सारी चीज़ें। छोटे से बड़े में जाते तो हम डिवाइड करते, और हम बड़े से छोटे में जाते तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में हम जैसे मल्टीप्लाई में हम नंबर बढ़ाते हैं, कम नहीं करते, जैसे आपने बोला लीटर से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हमें बड़े से छोटे जाना, हमें मल्टीप्लाई करना, हम इसमें आ रहे हैं तो हम नंबर वो बढ़ाएंगे, क्योंकि बड़े से छोटे में जा रहे हैं ना। देखिए ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप बड़े से छोटे छोटे से बड़े में जाते हैं तो मतलब अगर आपको बड़ा करना है नंबर तो आप मल्टीप्लाई करेंगे और छोटे में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। अभी आपने हमें बोला मल्टीप्लाई करना है, अब जितने जीरो ना हम उतने आगे मूव करेंगे, हम डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे, जैसे आप 3 0 इधर 1 2 3 आपने कहा था लीटर से मिलीलीटर करना है, लीटर से डेसिमल पॉइंट के बाद किसी नंबर की वैल्यू नहीं आती, अगर आपको डेसिमल पॉइंट अगर आपका आखिर में आया है ना तो आपको जीरो लगाना ज़रूरी नहीं है। और हमारा आंसर आया 3 2 4 4 3 पॉइंट। सन वाटर और सैंड का मोशन करने के लिए, जब ह्यूमंस को पता चला था कि अर्थ हिलती भी है मतलब गोल कर घूमती है, तो फिर उन्होंने टाइम इन्वेंट किया। अब जैसे पुराने ज़माने में तो क्लॉक्स नहीं होती थी ना, तो ऐसे मजा करते थे जैसे फजर के बाद जो है वो रोशनी आना शुरू हो जाती है, सूरज निकलना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि नमाज कज़ा होने वाली है। और फिर उसके बाद जब असर का वक्त होता है तो आप जैसे देखते कि बहुत ही धूप के बाद ठंडी ठंडी हवा आना शुरू हो जाती है, तो असर का टाइम होता है, सन के मोशन से चलते हैं। अभी हम पे आपका चेंज थैंक यू। अच्छा मैं इसको आपके लिए ना सॉल्व कर दूंगी। अच्छा आपको क्या है आगे जा नहीं सकता, जीरो लगा दूंगा। सही है। उसके अलावा ये 3 वेज होते हैं कनेक्ट करने के लिए, केबल पोर्ट USB ब्लूटूथ एंड वाईफाई। उसके अलावा देयर आर मेन कंपोनेंट्स, इट कॉस्ट इसकी जो कॉस्ट होती है वो अराउंड 150,000 नहीं बनती है। और इसके जो मतलब चार मेन्यूज होते हैं वो आपको बताएंगे, चार मेन्यू पता फाइव रीसेंट प्रोग्राम, फाइल फोल्डर, ब्रिक्स, ब्रिक सेटिंग। इसकी चार पॉइंट और आउटपुट्स की There is four input for output. Name output is ABC, ABCD,
input names is 1, 2, 3, 4. ये जो है ये जो लगा मैं ना ए बी सी डी ये जो है ये चीज़ें आउटपुट सही है और जो पीछे जो 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है ये है इसका इनपुट सही है तो ये आउटपुट और इनपुट से होती है और मैं आपको इसको चला के भी दिखाया प्रोग्रामिंग पे प्रोग्रामिंग हमने पहले से की है इसमें होती है कि हमने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लिखी फिर इसको जैसे मैंने बोलता है कनेक्ट किस हम लोगों ने जो होती है ना कि जिससे कंट्रोल होता है मतलब जिससे कनेक्ट होती हैं तीन चीज़ें तो हमने उस पर कनेक्ट करके लैपटॉप से जो कंप्यूटर से इसमें पूरा डाटा सेव किया असल में आपको बताया था कि चार मेन्यू होते हैं उसके अंदर में से किसी एक फोल्डर में फाइव फोल्डर में जाके हमने सेव करा ताकि उसका सेव होकर अब वो चलना शुरू हो गया मतलब अब उसके बाद कुछ में कोई होती है चलो चलो आपको दिखाएंगे चला के दिखाएंगे ये आपको चलाओ ये भी ऐसा होगा अब हमने बनाया सीधी करो उसको तो मैं कहीं नहीं रखूंगा उसको ढूंढ लेगा चाचा मैं मेरे दोस्त ने बताया था तब सन की रेस पड़ती है ना हम लोगों ने बताया सन की चार रेस होती है हम लोगों ने अभी तक तीन बनाई है हमें टाइम नहीं मिला था जो तीन रेस होती है वो चली जाती है एक डेंजरस रेस होती है किसका नाम यूवी रेस है और वो हमारा एटमॉस्फेयर ब्लॉक कर देते हैं हमें बचाने के और यहाँ हमें यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाया ऐसे रेन के ऊपर कि ऐसे रेन होती कैसे ऐसे रेन ऐसे होती है कि फ्यूल होते हैं ना फ्यूल पॉप से फ्यूल होते हैं गलत तरह के फ्यूल होते हैं जैसे कि पुराने ज़माने में डायनासोर मरे थे उनके अंदर जमीन के अंदर है ना जब उनको माइन करें तो उसके अंदर से मतलब फ्यूल निकल रहा है ज़मीन से फ्यूल निकलते हैं ना भी मशीनें लग के उसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल तो उसकी वजह से जब वो जलता है फैक्ट्रीज के अंदर तो एसओ2 बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और फिर वो जाके क्लाउड के अंदर चले जाते हैं फिर क्लाउड से मिलके वो एक क्लाउड बनाते हैं जो एसिड रेन कर पाते हैं तब एसिड रेन गिरती है तो ह्यूमंस को भी हर्ट करती है और फिशेस को मार देती है और प्लांट्स वगैरह बिल्डिंग्स को डैमेज कर देती है बहुत अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम हदेवान है चलो मेरा नाम अनसा के भाई मेरा नाम सीधर मिस्टर फान भी है और मेरा नाम सारा फातिमा आज हम आपको पॉल्यूशन के बारे में बताएंगे पॉल्यूशन को उर्दू में आलूदगी बोलते हैं पॉल्यूशन वो चीज़ होती है जो हमें बहुत ज़्यादा इरीटेट करती है जैसे जैसे कचरा और फैक्ट्रीज के धुएँ और ये मतलब आवाज़ें बहुत सारी ये सब तो पॉल्यूशन की बहुत सारी टाइप्स होती है मगर आज हम आपको सिर्फ तीन टाइप्स बताएंगे एयर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन अच्छा आज मैं आपको बताऊंगी एयर पोल्यूशन के बारे में तो जो एयर पोल्यूशन होती है उसके जो कॉजेज़ होते हैं वो फैक्ट्रीज के धुएँ होते हैं इसके अलावा गाड़ियों के धुएँ और जो हम कचरा जलाते हैं उसके धुएँ होते हैं सही है और इसमें जो आधे से ज़्यादा जो कॉज चीज़ें होती हैं ना जिनसे पोल्यूशन फैलती है वो है प्लास्टिक सबसे जो बुरी चीज़ है ना वो प्लास्टिक है तो अच्छा एयर पोल्यूशन जो होती है ये जो एयर पोल्यूशन होती है इसमें जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी फैक्ट्रीज के धुएँ हैं कचरा चल रहा है यहाँ पे और गाड़ियों के धुएँ हैं इससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है जैसे यहाँ उससे हमें होता है लंग्स कैंसर होता है ऐसे वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं और इससे फिर ना हमारी जो अर्थ होती है ना उसकी एक लेयर होती है जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं वहाँ पे ना ये होता है कि ना वो हमें ना सन की रेज़ से इन सबसे प्रोटेक्ट करती है तो जब ये जो धुआं होता है ये जाके जो पोल्यूशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जब ये जाके वहाँ पे जाती है तो ये इसको डैमेज करता है और डैमेज करने से बहुत ज़्यादा हमारी ओजोन लेयर ख़राब हो जाती है तो यहाँ पे हमें ये करना चाहिए कि मेरा नाम हानिया नकवी है मेरा नाम आमना अब्दुल मलिक और मेरा नाम शानिश है Today we are going to talk to you about adaptation. Adaptation is a process of changing to fit in a new environment or situation. अब जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम पोलर बेयर को ले लें अब पोलर बेयर जो है उसको सिर्फ ठंडी जगहों पर रहने की आदत है और
मतलब वो सिर्फ ठंडी जगहों पर ही रहता है, वो रहते ही नहीं है कहीं। जैसे कि एग्जांपल ले ला मछलियों के, जैसे मछलियाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती हैं और सर्दियों में मतलब बहुत ज़्यादा नीचे चल जाती हैं, और जब ये जो इनका खाना जो होता है ना मछलियों का, वो अपनी मतलब छोटी छोटी मछलियाँ होती है ना वो उनको ही खाती है। जैसे इनकी एग्जाम्पल ले ला आप, जैसे ये जितने भी जानवर हैं ना ये अपना शिकार खुद करते हैं, इनका एक अपना पर्सनल खाना नहीं होता, ये लोग इनको जो मिलता है जिससे जो भी मिलता है ये लोग वही शिकार करके खाते हैं। और ये वजह होती है कि ये लोग यहाँ पे क्यों नहीं रह सकते इन तीनों, फर्स्ट ऑफ ऑल पानी में डूब के तो मर गए। इन दोनों की बात है कि जो बेयर है उनकी जो स्किन होती है मतलब वो खाल जो होती है वो मोटी होती है, दैट्स वाई वो लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक बेयर होता है वो भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी जो स्किन होती है वो पतली होती है। और जैसे एग्जाम्पल ले लें हम लोग की, जैसे हम जैसे हमें कराची की आदत है, हम कहीं पर भी चले जाए बर्फ़ के इलाके में हम नहीं रह सकेंगे, हम शौक से घूमने तो चले आएंगे पर हमें एक दिन दो दिन हमें वापस घर आने का मतलब करेंगे। वो सहरा में आराम से चल सकते हैं, अच्छा। जहाँ पे ट्रक फंस जाते हैं वहाँ पे वो आराम से चल सकते हैं, अच्छा। क्यों? क्योंकि उन ट्रक्स के जो टायर्स होते हैं वो सहरा में ज़्यादातर फंस जाते हैं, वो रोड पर चलने के लिए बनाया जाता है, और कैमल के जो पैर होता है वो कहीं पे भी चल सकते हैं। वो सड़क पे भी चल सकते हैं? हैं? वो सड़क पे भी चल सकते हैं। सड़क पे भी चल सकते हैं और शहरों में भी चल सकते हैं। ऑल टेरेन? हाँ। जबरदस्त। और क्या होता है? और ये अपने अंदर एक चीज भी लेके घूमता है। हाँ। हाँ। बताओ बताओ बताओ। देखो देख लो। इधर चलो बोल दो जो तुम्हें समझ में आता है। There are two species of camels. Bactrian camel. Bactrian camel के पास दो humps होते हैं जिसमें वो अपना खाना स्टोर करता है, और डोमेस्टिक कैमल जो होता है उसके पास एक ही हम्प होता है लेकिन वो अप टू 80 पाउंड तक वो स्टोर कर लेता है। ये ज़्यादा स्टोर करता है कि वो स्टोर करता है? ये ज़्यादा स्टोर कर लेता है। ये बड़ा होता है? ये बड़ा नहीं होता है, इसका जो एक हम्प होता है लेकिन वो ज़्यादा होता है, अच्छा। वो भी ज़्यादा स्टोर करता है बट ना वो जल्दी एम्प्टी कर देता है। ओहो, खाता भी ज़्यादा है? हाँ। ओके, हाँ भाई, टेक्सास ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, ये तो आप, हाँ ये तो मैं सुन लिया था ना। उर्दू में बताओ कैक्टस का। बैरल, मैं आपको टाइप्स बताऊंगा कैक्टस की। बैरल कैक्टस, ओल्ड लेडी कैक्टस। क्यों कहते हैं ओल्ड लेडी कैक्टस? क्या इसकी खास बात ये है क्योंकि उसकी जो कवरेज है ना ग्रे हेयर की, इसकी वजह से, और जो उसकी ये फ्लावर देखें ये कोई हेड के फॉर्म में होती है, और जो इसकी कवरेज है ना ग्रे हेड की, इसकी वजह से ओल्ड लेडी कैक्टस बोला जाता है। ग्रे होता है इसलिए। हाँ, और दूसरा है मून कैक्टस। मून क्यों कहते हैं? मून कैक्टस लग रहा है मुझे। मून कैक्टस कैसे कहते हैं क्योंकि मून, क्योंकि इसके अंदर एक खासियत ये होती है जब ये उगता है ना, तो जब ये उगता है ना तो फिर ये मतलब जब ये उग ही रहा होता है तो उसके सीड में वैसे ही पानी स्टोर हुआ हुआ होता है। अच्छा, पहले से ही? हाँ, पहले से स्ट्रक्चर हुआ हुआ होता है। इसको मून कैक्टस इसके बोलते हैं, उसका ना थोड़ा सा शेप मून की तरह होता है, थोड़ा सा लगता नहीं लेकिन होता है। और ये स्टार कैक्टस है, और ये अब ये देख रहे हैं ना ये चीज़ कभी वो मतलब समझ लें कि रात दिन में कभी थोड़ी देर के लिए खुलता होगा। और इसी टाइप का हमारे पास एक गेम है, इससे हमें पता चलेगा कौन सी बर्ड हर चीज़ नहीं खा सकती, स्पेसिफिक चीज़ें जो वो खा सकती है, हम 30 सेकंड्स का टाइम लगाएंगे, देखेंगे आप कितनी कर पाते हैं, इससे हमें पता चलेगा हर बर्ड हर चीज़ नहीं खा सकती, स्पेसिफिक कुछ चीज़ें जो वो खाती हैं, आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे इसमें। अब हम आपको, हमारे पास तीन टाइप्स की बीट की वो है, लॉन्ग एंड नैरो की, और बहुत तीन टाइप्स की, अब हमें आपको एक भी आपको चूज करने के लिए देंगे और आपको गेम खिलाएंगे। तीन एग्जांपल्स हैं आपने से फिर हमें पता चलेगा 30 सेकंड्स में आप कितने। इससे गेम जब ये दबेगा तो इससे गेम स्टार्ट होगा, जो फोर एयर ब्लॉक है इससे ये जो सारी प्रोग्रामिंग करिए इससे रिपीट होगी। जो टचिंग पैडल है, जब ये पैडल को टच होगा तो ये बॉल वापस ऊपर जाएगी, या फिर अगर रेड लाइन को टच होगा तो सको रुक जाएगी और फिर ये गेम ओवर का ब्लॉक आएगा आपके पास। ये चेंज स्कोर, ये जो है पैडल को टच करेगा तो ये यहाँ पे चेंज स्कोर होगा आपका। और ये मूव 10 स्टेप, मतलब ये स्पीड है, अगर आप इसको 15 स्टेप है तो ये तेज चलेगी, अगर आपको 2 या 3 कर देंगे तो बहुत स्लो चलेगी, स्पीड है ये। Do you scratch your face?
I warmly welcome all of you in the English PID. Let's begin with it. Children have read their book. You can see the poster, Who Moved My Cheese. So they are presenting an activity on it. We have four main characters. So let's begin with this activity. Hope you enjoy. Life is unpredictable. It's like a maze, full of obstacles. You need to keep on moving to win the race of life. Here, four characters of Who Moved My Cheese will tell you about maze and its challenges. I am Scully. I quickly accept challenges and I try to jump into action quickly. Maybe because my parents are motivated me to accept challenges. I am Slip. My nature is good. I want to do adventure. But often I am not brave. Maybe because my parents encouraged me for adventures, but they didn't guide me well. Hello, I am Hemp. I don't like changes. I don't like face challenges because maybe my parents always comforted me when I felt always pampered. Okay, so these were the four characters and we have the last one left. After that, I want four fathers to volunteer for this activity. Yes. So please make a choice. Till then, let's listen to the fourth one. I am prepared to learn and adapt towards change. In the same way, many parents who have cooperative parents are ready to face challenges. Yes, so have you decided? Co-fathers, I need co-fathers. Come on, sir, would you like to? Come on, let's go. Let go of your fear. Learn it. No, it's okay, it's fine. Give one to them. We have to hear it, sir. One by one, you will follow this, and there are certain challenges on this maze. You have to do it. Like for example, jump twice. So you have to jump twice and then move accordingly. This is for the children that they follow your footsteps. They follow the footsteps of their elders. So basically, you are the support system, motivation, encouragement, and ray of hope for the children. So let's begin with the ray of hope. Forward? Yes. Balance on one. Take a step. Wave hello. Hello. Stage of children from birth to 18 months of age, children are uncertain about the world. They must develop the basic trust. Yes, Kari, what is the solution? We children need love and time, and we need you to love us. We need you to love us, take care of us. Okay.
is the second problem. Krishna will tell you the solution. Stage 2, that is from 18 months to 3 years old, children gain the sense of independence, the act to make their own little choices. We children like this stage. Want you to give us some freedom. So I special like holding our clothes ourselves, feeding our feet ourselves. ये बच्चे भी आपकी राह देखते हैं और इनकी आंखों की चमक, इनकी आंखों की उम्मीद, इनके चेहरे की दमक आप लोगों के आने से बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों के आज तशरीफ़ आवरी का। आज जो शख्सियत हमारे साथ मेहमान खसूसी के तौर पे मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ कराना चाहती हूँ। ये कोई आम लोग नहीं हैं। इनमें मिसेस सलमा जो हैं, सलमा सिद्दीकी साहिबा, ये इस्माइल मेरठी की नवासी हैं और उनके साथ ज़ाहरा मौजूद हैं, जो ज़ाहिर है उनकी पर नवासी या पर पोती बनेंगी। इस्माइल मेरठी साहब को कौन नहीं जानता, शायर हैं हमारे बच्चों के लिए। इस वतन के इंडिया में उन्होंने बहुत सारी शायरी की, उर्दू की, जिसमें कि बहुत मशहूर नस्लें मौजूद हैं। रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, और भी बहुत सारी नज़में हैं। और उनका ख्वाब था कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की बच्चियां तालीम हासिल करें, आगे बढ़ें। मैम सलमा ने लिटरेचर इन हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस में आगरा यूनिवर्सिटी से 1968 में ग्रेजुएट किया। और ज़ाहरा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहरा ये ऑडियोलॉजिस्ट हैं, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, और इन्होंने ग्रेजुएट किया है ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से फ्रॉम कॉलेज ऑफ स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग साइंसेस। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज वक्त निकाला और अपनी सुबह हमारे नाम की है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। माशाल्लाह लंबा प्रोग्राम है, बहुत सारे इवेंट्स हैं मज़े मज़े के, और L12 एकेडमी की कोशिश होती है कि नो चाइल्ड गेट्स लेफ्ट बिहाइंड। तो एवरी चाइल्ड हैज़ टू पार्टिसिपेट इन समथिंग और द अदर, एंड दैट रिक्वायर्स टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड देन ऑब्वियसली बिकम्स अ चैलेंज कि सबको अकोमोडेट करना। बट वी डोंट वॉन्ट एनीबडी टू स्टे बिहाइंड। We push every student to come forward and present something or the other, either in a group formation or individually. So, बच्चों को motivate करने के लिए let's give them a strong, good hand of applause. Let's not forget the teachers also who have worked immensely. Over to Miss Usha, Sir Yasin, Miss Hena, Miss Malia. Assalamu alaikum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यासीन है और मैं इनका इस्लामियात का क्लास टीचर हूँ। तो अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ही बाबरकत और मुक़दस महीना अता फरमाया है, रमज़ानुल मुबारक का। तो अभी हाल ही के अंदर रमज़ान के हवाले से हमने कुछ चीज़ें बच्चों को पढ़ाई थी, तो उसी हवाले से हमने जो है वो एक प्रोग्राम तश्कील दिया है। आप हज़रात के इल्म में होगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रोग्रामात नशर होते हैं, जैसे शान रमज़ान हो गया या जैसे इरफान रमज़ान हो गया। तो इसी तरह का कुछ ड्रामा जो है वो प्रोग्राम जो है वो बच्चों ने तश्कील दिया है, और वो इंशाल्लाह बच्चे आपके सामने पेश करेंगे। मैं दावत देता हूँ हुज़ैफ़ा को और सारा को, जो होस्टिंग करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, हमारे प्रोग्राम मुलाकात रमज़ान में। मैं हूँ हुज़ैफ़ा। और मैं हूँ आपकी दोस्त सारा। आज हम इस मौजू पर बात करने आ रहे हैं जो इसी मुकद्दस महीने से मुताल्लुक है, और उसको रमजान मुबारक कहा जाता है। और आज के हमारे मेहमान गिरामी है एहसान उस्मान, रमेश और हाजी। बराहे करम तशरीफ लाइए। आज के प्रोग्राम का आगाज हम हज़रत मोहम्मद सलाम पाक से करेंगे। सलाम पाक के लिए मैं गुजारिश
بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. ما شاء الله خباب आपके सामने बहुत ही खूबसूरत आवाज से तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे हैं. अब मैं नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हानिया और सारा को दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी आवाज से हमारे कानों को जिला बख्शे. तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है. फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम कर कह रही है ये बादे सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है. हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है. छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं जैसा मंजर मदीने में मौजूद है. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है. पकड़ लेना चलो एक बार सब बोले माशाल्लाह.
अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जनाब एहसम साहब से कि वो इस मुकद्दस महीने के बारे में कुछ बतलाएं। जी जी जनाब एहसम साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जिस आयत की तिलावत की गई है वो इसी माह मुकद्दस के बारे में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहि अल-क़ुरान। रमजान का महीना वो है जिस पर कुरान मजीद को उतारा गया। आयत के इस हिस्से में इस माह मुकद्दस की फ़ज़ीलत बताई है। माशाल्लाह, तो ये कुरान का महीना है और तिलावत करने का महीना है। मोहतरमा रुमेश साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोज़े क्यों फर्ज किए? जिससे रात से पहले वाले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तो गुंदगी बच जाओ। लाजों को जब तक अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज करने का मकसद ही बताया है। अगर कोई मुसलमान रोजा रहता है तो उसके दिल में तकवा यानी खौफ खुदा पैदा होता है और एक मुसलमान के दिल में खौफ खुदा होना जरूरी है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात बताई आपने। अच्छा जनाब उस्मान साहब, अब मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। ये बताएं कि रमजान मुबारक में कौन सा महीना ऐसा होता है, कौन सा वक्त ऐसा होता है जिसके अंदर दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खास रमजान मुबारक के महीने में अफ्तार एक ऐसा वक्त होता है जिसमें अल्लाह ताला खूब दुआएं कबूल करते हैं। एक हदीस में आए हैं अल्लाह ताला रमजान में अफ्तार के वक्त 10 लाख जहन्नमियों को अजाब भी करते हैं। क्या बात है, अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। मोहतरमा हादिया, मेरा सवाल आपसे है कि जो लोग रोजा नहीं रख सकते इस्लाम ने क्या उन्हें कुछ गुंजाइश दी है? जी बिल्कुल, इस्लाम बहुत ही आसान मजहब है। किसी भी हुक्म को पूरा करने के लिए आसान से आसान तरीके बताए हैं। अगर कोई शख्स इतना बुरा हो चुका हो कि उस पर रोजे रखने की हिम्मत अब नहीं है तो वो फिदिया दे दे और फिदिया की कीमत 2 किलो गंदम या इसकी कीमत है। इस फिदिया की कीमत इस साल 250 रुपये से 300 के अंदर है। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी कि अगर कोई बीमार हो या जो थे मुसाफिर हो तो वो उस पर रोजा ना रखे लेकिन ईद के बाद इसकी कज़ा जरूर पूरी हो। मैं भी इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ, सिर्फ रोजे में ही नहीं बल्कि अगर बीमारी की वजह से कोई खड़े होकर नमाज ना पढ़ सके तो वो बैठ कर पढ़ ले और अगर बैठ कर भी ना पढ़ सके तो वो लेटे लेटे ही नमाज पढ़े और अगर इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो हिल चल सकें तो वो आंखों के इशारे से ही नमाज पढ़ लें। अल्लाह ताला ने अपने वक्त के लिए कितनी आसानी की है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की तरफ और वो है कोई। जी हाँ, हमारे पास पब्लिक के लिए कुछ सवाल आते हैं जिनको जवाब आते हैं वो फौरन से हाथ उठाए। सवाल नंबर 1, कुरान मजीद की कौन सी आयत में लैलतुल कद्र का जिक्र है? जी हाँ, आप बताएं। कुरान मजीद की इस आयत में लैलतुल का जिक्र कुरान मजीद की इस आयत में आया है। जी हाँ, सही जवाब। अब आप लोगों के लिए दूसरा सवाल, अगर कोई जानबूझकर रोजा तोड़ दे तो उसे कितना कफारा देना होगा? जी आप आइए इधर, ये लीजिए। अगर रोजे रात रमजान में जानबूझकर रोजा तोड़ दे उसका कफारा ये है कि वो माइक करीब कीजिए बेटा, 60 दिन तक रोजा रखेगा
अगर उसके दरमियान बीच में एक रोजा छोड़ दिया तो उसे दोबारा से एक से गिनती शुरू करनी पड़ेगी। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। ज्यादा उम्र की वजह से जो लोग रोजा नहीं रख सकते, चलिए अब उनके लिए क्या आसानी की है। जी आप बताएं। टॉफी लेके जाना बता दो। जो लोग ज्यादा उम्र के हैं और रोजा नहीं रख सकते, वो शरीयत के लिए आसानी के कि वो फितिया दे दें। फितिया में कौन है बर्तन दे दें जिसकी अगर कौन दो किलो बर्तन नहीं दे सकते तो उसकी कीमत अदा कर दें जो कि 250 रुपये से 300 किलो है। 300 रुपये सही जवाब। आपका चौथा सवाल है तो ये बहुत ही आसान सवाल है, कर लेती हूँ। कुरान मजीद किस रात में नाजिल हुआ? जी आप आइए। कुरान मजीद लैलतुल कद्र में लौह महफूज में एक ही मरतबा मुकम्मल नाजिल हुआ, पर आसमान से दुनिया पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा तो 23 साल में नाजिल हुआ। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका पांचवा सवाल और सबसे मुश्किल, एक दिन के एतिकाफ का क्या इनाम होता है? जी अहमद आप बताएं। तो जब एक दिन का एतिकाफ अल्लाह की रजा के लिए करता है तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंजरें बना देते हैं जिनकी चौड़ाई आसमान और जमीन से भी ज्यादा की होगी। सही जवाब। छठा, ये बिल्कुल ही आसान सवाल है, रमजान की आखिरी रात को क्या कहा जाता है? जी आप आइए। रमजान की आखिरी रात को लैलतुल कद्र कहते हैं। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 7, रमजान के अशरो तकसीम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की? आइए आप बताएं। रमजान के महीने की तकसीम इस तरह करनी है कि पहले अशरा रहमत का, दूसरा अशरा बख्शिश का, तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात पाने का। बिल्कुल सही जवाब। अब आठवां सवाल, इस माह मुकद्दस के एक रोजे का बदला क्या है? जी आप आइए रहमान। अल्लाह ताला इशार फरमाते हैं कि रोजे का बदला मैं खुद दूंगा, और एक हदीस में आता है कि रोजे का बदला मैं खुद दूँ। सवाल नंबर 9, इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? जी आप बताएं। दसवां आखिरी सवाल, ईद का दिन अल्लाह ताला ने हमें क्यों दिया? जी आप आइए। ईद का दिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक तोहफा दिया है, तो चीज रोजे हम जो रखते हैं उसका तोहफा है ईद का दिन, और ईद के दिन में रोजा रखना हराम है। जी आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। आज का ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मैं अपने मेहमानों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हाउ आर यू ऑल? आप सबको इस्लामिक की PID कैसी लगी? ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी पीपल नाउ डेज आर गोइंग फॉर द ऑनलाइन बिजनेस, एंड फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट सम ऑनलाइन अट्रैक्टिव पोस्टर्स टू ग्रैब दैट अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। For that, our little girls have created something for you all and they would like to share. Please welcome them warmly with a round of applause. Assalamualaikum. My name is Hania Rafi. My name is Sara Fatma. And my name is Amna Abdul Malik. English language is one of the most widely used languages in the whole world. It is spoken to almost every corner of the world. Do you know creating creative poster for any business requires good English skills too? The creative slogan and pickup lines in English helps you to attract the audience. Different posters you see in daily life is used in different stuff. Do you want to do marketing but you are confused
how to create a poster? Let us show you. We will then show how to create an effective poster for your business. First, let me give you general guidelines. Number one, keep it simple and concise. Number two, use attractive graphics, color and fonts. Number three, important message should be readable from 10 feet away. Number four, avoid lengthy paragraph for a poster. Number five, state one message. Number six, be creative and demanding for that. Now, Amnait, I'll tell you about 10 simple steps to design your poster. First, identify the goals of your poster. Second, know which audience you need to attract. Third, decide where you need to share your poster. Fourth, select a professional poster, canvas and template on canvas. Pick a color theme related to your poster. Your advertisement should be clear. Seventh, use of information should support your aim of poster. Eighth, use icons to grab attention. Ninth, use high quality images. 10th, download and share your poster. Here is a honeybee poster. Here is a business poster. So, best of luck for your poster. Thank you. Have you ever done some crossword puzzles? Yes. At school time or college time? But do you know what is the process of creating it? Yes or no? Yes. No? Yes. Yes? Our students are smarter, right? Yes. So let's welcome Usman, Abdullah and Amin to tell you about how to create a crossword puzzle. Abdullah, give this to me. Assalamu alaikum, my name is Usman. We do a project on distillation pattern where we enjoy a lot. Let me tell you about distillation. Distillation is a pattern which uses the same geometric shape over and over again. Pattern cover an area without any gap. Distillation can be found in art, architecture, even in nature. A piece honeycomb is an example of distillation made with hexagons. Here are some examples of distillation pattern. You can have a look. The Islamic design, these high pattern of yellow random patterns. Majority of you must be thinking, how can we relate distillation in English? We tell you, have you all saw a crossword puzzle if you observe it as square distillation? Crossword will improve your vocabulary and knowledge. It improves your memory and thinking skills. Thank you. Tell you how to make a crossword puzzle. The first step is very easy. Decide the grid size. If you're working online, you have a limited size, but if you're working by your hands, you can make it as big as you want. The second step is to choose the crossword puzzle words. The third step and the final step is to get some question about the words you have chosen for the crossword puzzle. Now I will like to call two mothers to solve the crossword puzzle with us. Yes, any new mothers who would like to volunteer? Don't worry, the children will help you. Fathers have done the maze. Any new mothers? Any who wants to volunteer for crossword? We will help you. Let's give them a round of applause. Parents के लिए और आवाज नहीं आप करें ना जी।
One will do the downwards, one will do the crosswords. Abdullah will tell you the hints, you have to solve it. Abdullah, say the hints in mic, other parents can help them as well. Abdullah, you can say one by one hints on the mic and the parents can help them as well, okay? So, aapko baaki parents bhi help out kar denge. Yes, parents? Yes. Yes, show some enthusiasm. The first hint is, I is 2, C, S legs is 2, dash. First one? Yes. 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 The first one. That's right. And your answer is correct. Holiday of the week, dash. Sorry? Holiday of the week. Holiday of the week. नंबर 6, अ मेंबर ऑफ अ फुटबॉल. Of any, like you can say cricket, football, what is that called? When so many members combine together. Right? Yes. Yes. Correct. Can we clap, please? A person who is like our parents, dash. Number seven. The students can help. Correct. Number 9, what is 58 plus 42 dash? You can solve it. 58 plus 9. Anyone else? 100. That's right. Correct. Traffic color light, which means stop. Number 10. Okay, so across are done. So one is left. Okay. Shape of the desert. The shape of the desert, dash. Shape of desert. So can we clap? Loudly. Yes. Collection of books. The collection of the books. Number 2. Library. 9 months of the year. Dash. Rough. Can we say it loudly? Say the number first. Number 5. How many bells are required in cricket? Okay, the father will know this. How many bells are required in cricket? Number 5. Okay, last one. Animal of India, dash.
National Animal of India. National Animal of India. Any guesses? Tiger. Tiger. Okay. Clap for them. Very good. Assalamualaikum. My name is Rana Singh. Today I will tell you about fiction. Fiction is which is created from the author's imagination. This contain characters, animal and object topic, wear clothes, have soaps. Assalamualaikum. I will tell you about three forms of fiction. They are novel and short stories. Novel is a long story, contains the basic element of fiction and the main plot and the subplot. For example, Harry Potter, Emma and Red Dress Station. Novel is shorter than a novel and longer than a short story. For example, Frozen and Who, we just read it in the last month, Who Moved My Cheese. And short story only contain a one basic plot. For example, a thirsty cow and a crow. Thank you. Assalamu alaikum, my name is Anna Sandham and today I am going to tell you about fiction. Genres of fiction. We all love to read our favorite genre. Some genres are mystery, horror, fantasy, scientific, myths, fairy tales, legends, and historical fiction. For example, my favorite genre is fiction, is fantasy fiction. I love to read fantasy books. Today I'm going to tell you about elements of fiction. It includes as plot, which means everything happened in a story. Character, which could be a creature, animal, or a person. Setting, where the story takes place. Point of view, where the view is told from the story. Problem, what is going wrong and what needed to be fixed. Story theme. It is a universal message for the readers. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Sahiba Danish and I will tell you about nonfiction. Nonfiction includes real, true, and factual stories. These books give you information. It might include maps or real pictures. The pictures can contain captions describing pictures. It might include glossary which defines some words. Thank you. Assalamu alaikum. Today I'm going to tell you about the two main categories of nonfiction. Are literary nonfiction and functional fiction. Literary nonfiction is something which is real but have literary elements of fiction. For example, it might use a dramatic writing style or a poetic language. For example, autobiographies, biographies, letters, essay, articles, represent books. And now, functional text. Functional text is basically, it is real, it gives us information, explains rules, shows us direction, and provides information that can help us to complete procedures. For example, maps, menus, brochures, schedules, and applications. I hope our audience like your information and our information are going to help you. And please, my dear Kanya Bajani. Before you all told me who loves to read, now I want to ask who loves to write. Have you ever written something? Might be in your diaries, in your journals. So let's get to know about some benefits of journaling, and let me tell you, this is one of the most important and funny segments. So let's welcome the students. Assalamualaikum everyone. I'm a journal. I'm available in many shops and I come in different size and shape. As you can see, these designs give you many people who loves to write journals. Decorate me with fancy items. Now I would like to invite Mustafa Zubair to share some elements of journaling with all of you.
Assalamu alaikum everyone. So today Sarah and I will reveal some pages from the secret diary of our respectful teachers. So student and teacher have to guess which teacher. Only the teachers have to guess which teacher will write this in their diary. Look, I have their pages. So let's start. I participate in the marathon race, so I can put myself to put my thumbprint to mark my attendance. Don't ever underestimate my running skills. Yes. Who would so, guess? Yes. Miss Ina. Now next one. Anyone watches or not, but Shabir is watching, bro. Diary, I'm thinking which colorful abaya to wear tomorrow. I'm so sure everyone must be waiting to see, as I have the cutest abaya collection in town. You think you know me, but bro, you are wrong. Who is it? खुशबू आए ऐसी बोली वही बोले जैसे उर्दू आए जी बिल्कुल ये हमारी ही ज़बान के बारे में है। उर्दू ऐसी ही मीठी और प्यारी ज़बान है, हमने इस मीठी और प्यारी ज़बान को सीखा और अब आपके सामने पेश करेंगे। तो मैं सईद रमैसा इरफान नबी आपको बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमने गुज़िश्ता 6 माह में चंद ख़ास उनवानात पर अहम मालूमात हासिल की, जो कि हैं यादें कैद, स्काउटिंग, ओलंपस और त्यौहार। इसके साथ साथ अलग से एक और प्रोजेक्ट पढ़ा किस्सा गोई के हवाले से, जिसमें हमने टार्सन सीरीज़ को मुकम्मल पढ़ा और बहुत कुछ सीखा। मेरे कानों में मिस्री खोलता है जब कोई बच्चा उर्दू बोलता है। अब बगैर किसी देर के हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। स्काउटिंग एक ऐसी तहरीक है जो हमारे नौजवानों की ज़हनी व जिस्मानी तरक्की के लिए नहायत ज़रूरी है। इसके बारे में एक मालूमाती खाका पेश करने आएंगे मेरी जमात के तमाम तलबा।
ना माइक दे दिया। अस्सलामुअलैकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। कल जो मैंने पढ़ाया था किसी को याद है? जी रेयान। ये सर आपने स्काउटिंग बनाया था। जी शाबाश रेयान। क्या किसी को स्काउटिंग के बारे में मालूम है? जी राना। और किसी को उसके बारे में मालूम है? जी मुस्तफा। स्काउटिंग एक ऐसी तरकीब है जो हमारे बुरे हालात में हमारी मदद करती है। शाबाश मुस्तफा। जी अब आप लोग सवाल कर सकते हैं। जी सर, स्काउट्स का तालीमी मयार क्या? स्काउट का तालीमी मयार हर कोई नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास खिदमत खल्क करने का जज्बा है तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। स्काउट जंगों में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि वो इब्तदाई टीपी इमदाद देते हैं। जी टीपी इमदाद का मतलब अगर किसी को सांप काट ले या ऐसा कोई ये मुश्किल आज हो जाए तो डॉक्टर से पहले का फौरी इलाज इब्तदाई टीपी इमदाद होता है। जी जी हाँ, लड़कियाँ स्काउट में 6 से लेकर 20 साल की उम्र का हर बच्चा और बच्ची स्काउट में हिस्सा ले सकते हैं। जी स्काउट का यूनिफॉर्म होता है? स्काउट का यूनिफॉर्म होता है, लेकिन वो खाकी रंग का होता है। जी है ना। स्काउट के ग्रुप्स होते हैं गर्ल स्काउट, ब्राउनी गाइड एंड बहुत सारे ग्रुप होते हैं बॉय स्काउट एंड बॉय। जी स्काउट की तारीफ आपको अमीर बताएंगे ना, अमीर को पता है? जी अमीर। स्काउट का आगाज 1907 में हुआ जबकि पाकिस्तान में 1947 में हो चुका। शाबाश अमीर। जी क्या किसी को आप में से स्काउट के अहद मालूम है? जी अहमद। जी अब्दुल्ला। मैं अपनी इज्जत कभी खराब नहीं करूंगा। शाबाश अब्दुल। जी सर। मैं हमेशा कपड़े चले से पाऊंगा। जी सर। अब हर स्काउट को दोस्त मानूंगा। शाबाश सर। जी रहा। मैं हमेशा खुद मेरा पल करूंगा। शाबाश रहा। जी खूब है। अल्लाह ताला के कानून की पैरवी करूंगा। जी उसमें ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी इज्जत को खतरा। शाबाश उस्मान। जी जरूर सुनाए। पाया तूने पत्थर में कीड़े को पाला।
किया और उन्होंने नहीं मारा और ये कहा कि
अच्छा तुम लोग कहाँ रहते हो? तो उन दो बंदों ने कहा कि हम जो है वो मदीना मुनव्वरा में एक छोटा सा घर है हमारा, हम वहाँ पर रहते हैं। तो अब उन दो बंदों को उन्होंने पकड़ा और फिर सुल्तानुरुद्दीन जो है वो उनका घर देखने गए। तो उनका घर जो वो बहुत सीधा साधा सा था, कुछ था ही नहीं। अब सुल्तानुरुद्दीन ने तलवार उठाई और फिर फर्श पर चटाई पर टकटक किया तो उनको कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। जब उन्होंने चटाई हटाई तो एक सिल थी। अब जब सिल हटाई तो क्या थी, एक सुरंग थी जो बहुत दूर तक जा रही थी। तो अब सुल्तानुरुद्दीन ने जब देखा तो वो रोज़ा अकदस तक जा रही थी। फिर सुल्तानुरुद्दीन ने उन दो बंदों को पकड़ा और फिर अपने महल में लेके गए और फिर उनसे पूछा। तो उन दो बंदों ने कहा कि जनाब हम यहूदी हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मे मुबारक लेने आए थे। अगर आप एक दिन ना आते तो हमारा पूरा काम ही हो जाता, मगर आप एक दिन से पहले ही आ गए और हमारा काम वहाँ का ही वहाँ का रह गया। अब सुल्तानुरुद्दीन ने उन दोनों की गर्दन वहाँ पर ही काट ली। अब यहाँ पर तो किस्सा ख़त्म हो गया। फिर सुल्तानुरुद्दीन ने रोज़ा अकदस के पास जो है चारों तरफ मजबूत दीवार लगा दी और वो अभी तक जो है वो दीवार मजबूत है और अच्छी है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। शुक्रिया। काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से ज़माने, काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से, हमें ये नहीं कानों में अब अल्फाज का रस कौन खोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये डर है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। ये तो शायर का खौफ है, लेकिन हमारी स्कूल की एक खासियत है कि यहाँ पे उर्दू पर ख़ास तवज्जो दी जाती है, जिसका एक मंज़र हम आपके सामने पेश करेंगे। अलामा इकबाल का मशहूर ज़माना शिकवा, इसके साथ साथ जवाब शिकवा भी, लेकिन वो अलामा इकबाल के अल्फाजों के बजाय आज के मशहूर ज़माने के शायर सैयद अबरार काशिफ के अल्फाजों में होगा। उम्मीद है कि आपको ये मिलाप पसंद आएगा इंशाल्लाह। इसको पेश करने के लिए मैं अपनी क्लास के तमाम तलबा को दावत देना चाहूँगा। हम नवाब
इमोशनल भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बिगनर्स की टीचर्स हैं, अब ये बच्चे इंशाल्लाह मिडलर्स में जाएंगे, तो इसलिए बहुत सारे टीचर्स जिन्होंने माशाल्लाह 4-5 साल इन बच्चों के साथ गुजर, तो वो बहुत इमोशनल है, इंक्लूडिंग अस, ऑल ऑफ अस। पर इंशाल्लाह उस्ताद ज़िंदगी भर उस्ताद रहता है, चाहे आपके साथ हो, हम हमेशा इसी स्कूल में होंगे, आपके साथ होंगे। अब मैं डॉक्टर साहब को दावा दूँगी क्यों आए। बात को मुख्तसर करूं तो मैं डायरेक्टली अपने आप लोगों के पेशेंस का भी ये इम्तिहान है। नहीं, शुरू किस जुमले से किया था? मैंने नेट से चीज़ निकाली, ठीक है। यानी कि आजकल का जो चैलेंज है हमारे पास वो ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को उन टूल्स से अलहदा कर लें जिनके ज़रिए आजकल इल्म या समझ या अपना काम के अंदर हमें इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। और नेट जो है वो बहरहाल मौजूद है, हम चाहें या ना चाहें, उसका अच्छा और बुरा इस्तेमाल भी है।
लेकिन उसको हमें यह समझना चाहिए कि वो एक टूल है, ठीक है ना। जैसे छुरी एक टूल है, छुरी का अच्छा इस्तेमाल भी है और बुरा इस्तेमाल भी है। डंडे का अच्छा भी इस्तेमाल होता है, दरख्त आप जगह बनाते हैं, आप पहाड़ बनाते हैं, वो अच्छा है, लेकिन डंडों के गलत इस्तेमाल भी होता है। तो इसी तरह से इंटरनेट या वो टेक्नोलॉजीज़ जो आजकल अवेलेबल हैं, उनका अच्छा इस्तेमाल भी है और बुरा इस्तेमाल भी है। इस वक्त चैलेंज ये है कि एक तरफ तो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से असातिज़ा की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, या इस तरह हम जो बैठ के एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ज़रूरत रहेगी लोगों से बात करने की, उनको समझने की और अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने की, लेकिन उसके लिए जो इंटरनेट का इस्तेमाल है, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल है, वो बहरहाल हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा सिरायत कर गया है, उसको एक्सेप्ट करना है। और आज सुबह ही मेरा बेटा कंप्यूटर साइंस में सेकंड ईयर में है, तो वो उसको असाइनमेंट मिली कि बिज़नेस का कोर्स है कोई मैनेजमेंट का, तो उसको असाइनमेंट मिली कि तुम जाओ और किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर केस स्टडी लिखो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव से। तो मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि मैंने क्या किया कि चैट जीपीटी पे का वो सवाल डाला, उसने उससे निकाल कर मुझे बताया कि अच्छा ये एरियाज़ हो सकते हैं। फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा इसके सवालात निकाल कर दे दो, तो उसने वो सवालात निकाले चैट जीपीटी से। फिर उसने उन सवालात को जब निकाले, उसको कुछ ठीक वगैरह करके, तो मैंने कहा L2L पे ही करो, तो उसने कुछ मिस सारा को सवाल भेज दिए, कुछ हम्माद साहब को भेज दिए, कुछ और लोगों को भेज दिए। उन्होंने तो मैंने पूछा आप क्या करोगे, तो उसने कहा कि मैं उन सवालात के और उनसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे ऑडियो भेज, तो जब वो ऑडियो आएगी तो मैंने कहा क्या करोगे, तो मैं उस ऑडियो को लेकर अगर उर्दू में है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, और इंग्लिश में है तो खैर उसकी ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर लूँगा, फिर उस ट्रांसक्रिप्ट को मैं बैठ के किसी तरह से एनालाइज करके और फिर वो रिपोर्ट बना लूँगा। तो यानी कि चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अभी मैं एक और काम में मसरूफ़ था, तो वर्ड भी एक है, इससे पहले हम गूगल से इंफॉर्मेशन लेते थे, अब हमें मज़ीद हो गया, लेकिन उसके अंदर भी नकल के लिए ठीक। तो उस टेक्नोलॉजी को अपने लिए इस्तेमाल करके किस तरह से काम किया जा रहा है, वो अब पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है हमारा काम। पहले मेरे पास कोई मेरा सबॉर्डिनेट आता था ये काम किया, तो पहले मैं उसकी क्लास लेता था, तुमने 5 मिनट गूगल पे काम किया है या नहीं, सर्च किया है या नहीं किया, ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है तुम देखते तो सही कि क्या तरीके हैं करने को, तो उससे क्या सीखा तुम। तो अब उससे बढ़कर बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसकी मदद उनको करनी है। तो हमारी कोशिश ये है कि अगले टर्म से हम LMS तो आप लोग पहले इस्तेमाल कर ही रहे थे, वो भी एक टूल है, बच्चों के अंदर इसकी इस्तेदाद बढ़ाई जाए, और आजकल टैबलेट्स और उसके ज़रिए रिसर्च कैसे की जाती है, इन टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इनसे भागा नहीं जा सकेगा, इसको हम अपने लिए अपने मकसद की खातिर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारे मसाइल भी हैं, ये अभी वो ज़माना नहीं है कि जो आज से वैसे कि दुनिया के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स काबिज हो जाएंगे, ये 1950 के आइज़ैक आसिमोव की किताब में है, आई रोबोट के नाम से उसने वो कहानी लिखी थी, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, 1950 में पब्लिश हुई है, 45 से 50 के दिन 1950 वो ज़माना है कि अभी तक दुनिया में शायद एक कंप्यूटर था या 2-3 कंप्यूटर थे सिर्फ उस ज़माने में, वो उसके ऊपर जो मूवी बनी है वो 2002 में विल स्मिथ की है, आई रोबोट उस किताब का नाम। तो कि दुनिया के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और रोबोट्स का कब्ज़ा हो जाएगा, ये आज की बात नहीं है, आज से 70-75 साल से इसकी बात हो रही है, लेकिन ये है कि ये जो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं,
उसी लिहाज से हमारी स्पीड ऑफ वर्क भी तेज़ होगी। पहले जो काम हमें 2 महीने में हम करते थे, 10 लोगों से पूछ कर करते थे, अब हम चैट जीपीटी के साथ मिलकर और वही काम हमें करना सीखना है। या चैट जीपीटी तो एक ऐप है जो मशहूर हो गई है, लोगों के ज़बान पे चढ़ गई है। आज से 10-15 साल पहले इस तरह की बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस आ गई थी। तो इस लिहाज से हमारी दरख्वास्त होगी, हम बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करेंगे अपनी उसके अंदर इन टूल्स का। तो बच्चों को हमें ये भी सिखाना है कि छुरी को किस तरह से अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाता है, उससे अपने हाथ को ज़ख्मी भी किया जा सकता है। इसी तरह से इस टूल का अच्छा इस्तेमाल कैसे है, इंशाल्लाह हम उनको करके बताएंगे और देखकर बताएंगे। वो भी उनकी तरबियत का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। और उसकी तरफ मैं ये चाह रहा था कि इस मौके के ऊपर आप सबको ये बात करूं कि हमारी ये एक रिक्वायरमेंट होगी। जिस तरह पहले रिक्वायरमेंट थी कि किताब होनी चाहिए, तो उस तरह से एक टूल, एक टैब या एक लैपटॉप, ये एक लाजमी उनसर बन गया है। इसके बग़ैर अब कोई काम होना मुश्किल लग रहा है। हम लोगों से बात भी नहीं कर सकते, आप अपना होमवर्क भी नहीं सबमिट कर सकते बग़ैर लैपटॉप के या बग़ैर टैब के। तो ये एक रिक्वायरमेंट बहरहाल एसेंशियल है। इसके बग़ैर अब अगले ज़माने में इस टूल के बग़ैर मुश्किल नज़र आ रहा है। तो ये बात मैं करना चाह रहा था। शुक्रिया बहुत बहुत आप आए हैं जी। हाँ, इसका जो प्रोसीजर बन रहे हैं वो हम आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ पे क्लास में ज़रूरत होगी। हाँ, क्लास के इस्तेमाल में ज़रूरत होगी। अब ये कि वो स्कूल में रखा जाएगा या वो घर लेकर जाएंगे, ये बहरहाल देखना होगा। हाँ, तो जैसे अभी हम यहाँ पे स्टेम के प्रोजेक्ट्स करवा रहे हैं, आपको पता होगा, तो वो सामान यहीं रखा हुआ है, हमारा नहीं है। वो जो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो लाकर उन्हें सामान रखा है, वो सुबह बच्चों को देते हैं, फिर उसके बाद वापस लेकर उसको हिफाजत से रखा जाता है। तो उसका पूरा निज़ाम बनाना पड़ेगा कि उसको, क्योंकि लाना ले जाना वो बताते ख़ुद एक परेशानी कुन बात है, रास्ते में कुछ हो जाए, और हमें पता है कराची के जो हालात हैं। तो उसका कोई ना कोई निज़ाम, कोई लॉकर्स, कोई इस तरह की चीज़ यहाँ मौजूद तो मुहैया की जाएगी। शुक्रिया बहुत। हमारी अल्लाह ताला की सिफत है रब, रब के वाने पालने वाला, दोनों जहानों का, हम सब का, सब मखलूकात का। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, हम सिर्फ कह देते हैं बच्चों को माँ बाप पाल रहे हैं, माँ बाप नहीं पाल रहे हैं, अल्लाह ताला पाल रहा है, उसने ज़रिया बनाया है माँ बाप को। औलाद को क्या चाहिए कि उसका जिस तरह अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं, इस तरह बच्चों को माँ बाप का शुक्र अदा करना, किस तरह वो आदाब, आपकी फीसें दे रहे हैं, आपके खाने का, वो आप कह देते हैं लंच लेके ले जा रहे हैं, हमें 50 रुपये चाहिए। आइए देखिए कि इनके 5-6 बच्चे वो क्या करें। मैं ये गौर करती हूँ, मैं दादी हूँ बच्चों की, सुबह से शाम तक देती हूँ, मेरे 5 पोता कि भाई क्या करें, एक कमाई है और बच्चे इतने। और आप देखिए कि मैं कोई किसी पर अटैक नहीं कर रही हूँ कि तालीम का आप आलम देखिए कि क्या मियार है। मैंने आपने नहीं किया ये मियार, ये आप लोग खुद जानते होंगे कितनी तरबियत है। तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है। उस्ताद की क्या अहमियत है, अल्लाह रसूल के बाद माँ बाप हैं, उसके बाद उस्ताद की अहमियत है। क्या हमारे यहाँ कहा जाता है बच्चों को कोई ख्याल नहीं, आए बच्चे खड़े हो गए टीचर्स जा रहे हैं, हम अपना बताते हैं, टीचर को देखा हम वहीं साइड में जब तक वो ना गुजर जाएं। ये थी तरबियत, घर में भी तरबियत मिलती थी, वहाँ पे भी। हमारे यहाँ सिर्फ बुकिश नॉलेज है, आप लोग माइंड ना करें। जो मेरा तजर्बा है, मैं 75 को क्रॉस कर रही हूँ, मैंने दरियों पे पढ़ा है। बच्चों आप लोगों को तो सब बहुत फैसिलिटी, मैंने 5वीं तक मौलवी बेटी, मेरे दादा उनकी बेटी का बहुत, उनकी दादा थी तो बेवा हो गई थी वो, तो उन्होंने घर में 5वीं तक स्कूल खोला था। हमारे मोहल्ले का नाम मशाय खान था, हमने दरियों पे पढ़ा है। उनके 5 बड़े बड़े कमरे,
टंकियों में पानी, कुएं का पानी, आप लोगों को तो सब कुछ दस्तियाब है। और उसमें जो मज़ा था, मेरे भाइयों ने जो आज सीए हैं, इंजीनियर हैं, मेरी सबने दरियों पे पढ़ाया 8वीं क्लास तक। और वो इल्म ऐसा है कि पायदार है, वो उसमें तरबियत थी उसमें। आज तक हम लोग जो हैं अपने उस्तादों को सुना है कि ज़ियाउल हक के उस्ताद थे, तो पढ़ाया होगा कभी उन्होंने पंजाब में, तो उन्होंने सुना कि ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट हो गए हैं। वो किसी तरह वहाँ पहुँचे, गार्ड से कहा मैं जाऊँगा, उसने मना किया, उसने अंदर जाके कहा। जब ज़ियाउल हक ने सुना पंजाबी में कहा कोई, वो नंगे पैर भागे आए थे। उस्ताद की ये अहमियत होती है। तो बच्चों को तरबियत देना, घर वालों को भी, कि उस्ताद क्या चीज़ है। माँ बाप के बाद उस्ताद जो है वो चाहता है कि मेरा शागिर्द मुझसे ज़्यादा आगे बढ़े। कोई जेलिसी नहीं होती, हर रिश्ते में जेलिसी है, बहन भाइयों में जेलिसी है, देवर जिठानी सास बहू, मगर ये ऐसा है पाकीज़ा रिश्ता। बच्चों को समझाया जाए कि एक चीज़ आप दे रहे हैं बेलॉस, उस्तादों को क्या परवाह है, आप कहीं जाएंगे, लम्हे आप लोगों का मुस्तकबिल बनाए, ताबनाक हो और इल्म की दौलत से। मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चों ने बहुत, आप लोगों ने प्रोग्राम में प्रिंसिपल साहिबा को, निगरा को, स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आप लोगों का बहुत अच्छा इंतज़ाम, एक लिमिटेड जगह में आप लोगों ने बहुत कुछ कोशिश की है, और अल्लाह इस कोशिश को और पायदार बनाए। और बच्चों से बहुत खुशी हुई, बहुत बच्चों ने अपनी इस्तेदाद से ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश की है, मुझे बहुत खुशी हुई। मगर इसमें आप लोगों को मेरे परदादा मौलवी इस्माइल सेठी का हाथ में ज़रूर कहूँगी कि आज जो आप लोग हैं, मेरे दादा ने पौधा लगाया था 1910 में, और घर के अंदर खोला था, उनकी बेटी बेवा थी, अकेली थी, उनके बच्चे बाहर चले गए, तो हमें वो याद है कि दरिए, कारपेट और पानी, आप लोगों की तरह कोई कहीं कुएँ का पानी हम लोगों ने पिया। सेहत देखिए आप लोगों से अच्छी हमारी है। और जो नाश्ता क्या करते थे, घर से पराठा, अंडा, कोई नहीं था, चार आने मिलते थे, समोसा, केला, नारियल का टुकड़ा, ये जो बंदूका वाले हैं इनकी हमारे दादा क्या चपरासन मजीदन थी, क्या उसमें मज़ा होता था। मेरे भाई कहते थे प्रोफेसर चार आने मिलना है, दो आने बचाओ, दो आने खाना, क्योंकि घर आके खाना भी तुम्हें खाना है। और आज मेरे भाई बहुत कुछ छोड़ के गए, बच्चों को भी उन्होंने सिखाया कि सब कुछ नहीं, बचत की तरबियत देनी चाहिए। आजकल बच्चे माँ बाप के वफादार आप बुरा माने नहीं हैं, उनको कोई ये नहीं है कि हमारे बाप किस तरह अर्न कर रहे हैं, हमारे बाप कितनी तकलीफें उठा रहे हैं, ये एहसास होना चाहिए आप लोगों को। क्या आप सोचें माँ बाप के लिए, कम से कम सादगी इख्तियार करें। बस आपका टारगेट तालीम होना चाहिए कि हमें कुछ बनना है, माँ बाप को सपोर्ट करना है। ये नहीं कि शादी हुई और कह दिया आजकल कि जी हम क्या कहें, हमारी बीवी बच्चे क्या है, ये आपको किस तरह माँ बाप ने पाला है। इसीलिए ना रबी मकमरबानी सफ़ीरा क्या कहा है हमारे कुरान ने कि जब बुढ़ापा आए तो उनके ऊपर आप वैसे ही रहम कीजिए जैसे हमने किया था। कितने लोग इस चीज़ को सोचते हैं, मैं शायद गलत तो नहीं कह रही हूँ कुछ, तो आप लोगों को साथ साथ ये भी सोचना है, दीन को लेके चलना है, हमारे कुरान ने क्या है, हमारे अल्लाह ने क्या कहा है। अब मैं तो वही होगा, मुझे इतना कम टाइम दिया गया है, मेरे पास बहुत ज़खीरा है, अपने बारे में कहूँ, अपने दादा के बारे में, मेरे दादा ये नहीं, उनके बाद बहुत लोगों ने कहा, मगर मेरे दादा सबसे पहले थे, लड़कियों की तालीम आम नहीं थी, पर्दे में रहते थे, बड़े सभी इसका सोचिए आप ज़रा, उन्होंने घर में स्कूल खोला, 6ठी से हम लोगों को डेस्क मिले हैं हमें, उससे पहले दरियाँ थी और तालीम का वही था, पाना जाना कि उनकी किताब मशहूर है। और आजकल तो गूगल पे उनका सब कुलिया थे इस्माइल आ गई है, तो मोहल्ले का नाम मशाए खान था, परवेज मुशर्रफ के रिश्तेदार और मेरे दादा मौजूद लोगों में से, मोहल्ले का नाम मशाए खान था, जो मॉडर्न कहे जाते थे और जिनके यहाँ दीन भी था, तीन घराने थे, कि टेलीफोन भी था उस ज़माने में और टेबल भी थी, मगरबी असर भी था मगर दीन भी था साथ। अब आजकल जो है ज़रा सा कोई पैसा आता है, तालीम आती है, तो हम लोग सब भूल जाते हैं कि हमारे साथ किसी ने क्या एहसान किया है, क्या उसमें माँ बाप ही क्यों ना हो। गलत बात है, तालीम हमें शऊर सिखाती है,
कि हम अपने बड़ों का अदब करें। आते हैं कमरे में, दाखिल होते हैं तो माँ बाप बैठे हैं और आ रहे हैं बैठे हुए, भाई खड़े होइए, उनको सीट दीजिए, जगह दीजिए। अदब से ही इंसान इंसान है, मेरे शहदाद है। अदब जो न सीखे तो हैवान है, हैवान वही तो है ना, उसको जगह ही नहीं मालूम, आपको नुकसान पहुँचाएगा। इंसान तो नहीं इंसान को पहुँचाना चाहिए, अकल ही नहीं है उसके पास। हमें अल्लाह ने शऊर दिया है, इंसान में और हैवान में क्या फ़र्क है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना है कि आगे जाके आप लोगों को अपने दिखाना अपने इंस्टीट्यूशन को कि हमने कहाँ से तरबियत पाई है, और सादगी अपनाना है, माँ बाप का हमदर्द बनना है, माँ बाप से जिदें नहीं करनी है कि हमें ये चाहिए, भल पैसा हो उनके पास ना हो, मगर आपको अपने लिमिट में रहना है। अब मैं दादा का बहुत ही मुख्तसर सा, क्योंकि मुझे कहा गया है कि टाइम लिमिट है, मेरे पास तो बहुत सगीरा है ज़खीरा है, मगर मैं तब शॉर्ट कर रही हूँ। करे दुश्मनी कोई तुमसे अगर, उनकी सिफत ये थी सबसे पहले कि इतनी आसान उर्दू में कहा है कि वहाँ पर सिख हिंदू मुसलमानों को भी उर्दू बहुत अच्छी आती है। कंवर सिंह बेदी हैं और कृष्ण चंद हैं, प्रेमचंद हैं, इन सब ने क्या है, उर्दू से उन्होंने सब कुछ सीखा, उनको इनामात मिले हैं। करे दुश्मनी कोई तुमसे अगर, जहाँ तक बने तुम करो दरगुजर, अगर तुमसे हो जाए सर जद कसूर, तो इकरा तोबा करो भी ज़रूर, जो मोहताज मांगे तो दो तुम उधार, रहो आपसी रहो वापसी के न उम्मीदवार। ये मेरे भाई करते थे, अगर कोई मांगता था उनसे वो देते थे। प्रोफेसर वहाँ कहती थी इतना बड़ा अमाउंट आप दे रहे हैं, अल्लाह ने आपको दिया तो वो कह रहे हैं हम देंगे, कहते थे ये दे, मगर मेरे दिल में नहीं है कि मैं वापसी लूँगा, मैं उसको नहीं कह सकता मेरा दो, इस नियत से देते थे कि मुझे नहीं लेना है। और हदीस का भी यही मफहूम है कि आपकी नियत ही हो कि आप खलल ना हो आपकी नियत में, अगर आप दे रहे हैं इस नियत से दें कि अगर दे दे तो फबिया, ना दे तो आप ही ना कहें फलन ने हमारा नहीं दिया। वही तो आपको मालूम है, रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई, उस मालिक को क्यों ना पुकारे जैसे पिलाई दूध की नहरें, दूध दही और मीठा मस्का दे ना खुदा तो किसके बस का मस्का मक्खन। यानी ये बहुत लंबी है, आप देखेंगे गूगल के, ये मैंने मुख्तसर किया है। अब बच्चों के लिए, सच कहोगे तो तुम रहोगे शाद, फिक्र से पाक रंज से आज़ाद, सच कहोगे तुम रहोगे दिलेर, जैसे डरता नहीं दिलावर शेर। सुबह से रहिए तकवियत दिल को, सहल करता है सख्त मुश्किल को, सच कहो इस्माइल मेटी, सच कहो सच कहो, हमेशा सच है पहले भले मानसों का पेशा, सच सच कहोगे तो तुम रहोगे अजीज, सच तो ये है कि सच है अच्छी चीज़। मैं अपने दादा के बारे में यही कहूँगी कि उन्होंने बहुत आसान उर्दू में, उसके बाद बहुत लोगों ने कहा, मगर सबसे पहले मेरे दादा ने लड़कियों की तालीम को आम किया और उन्होंने खोला। आज इस्माइल बेटी एम ए क्लासेस हो रही हैं माशाल्लाह, और पार्टीशन के बाद सब लोग घर में बैठ, यहाँ मुसलमान आ गए तो वहाँ पर एकदम बहुत कमी आ गई थी, तो उन्होंने नेशनल कर दिया, सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई सब लोगों को, तो अब माशाल्लाह अब तक चल रहा है वो, उनकी मगफिरत थी। आप लोग, एक सदी गुजर गई है, 1917 उनकी पैदाइश थी और 1910 में उन्होंने बुनियाद रखी थी स्कूल की, और 1960 में जुबली हुई थी वहाँ पे। तो सबसे पहली तालिबा मेरी दादी थी मुशर्रफ़ुन्निसा, उनके बड़े बेटे जो महमूद सैफी थे उनकी जो एक इकलौती बेटी थी वो मेरी दादी थी, ग्रैंड माँ थी मेरी, वो पहली तालिबा थी। फिर उनका इंतकाल हो गया तो उनकी चचाजाद बहनें मोहम्मद असलम सैफी उनके दूसरे बेटे थे, जिन्होंने 78 तक स्कूल चलाया दादाजी ने, तो उन्होंने समझ लिया ये जो वो उनके पौधा लगा के गए थे उसको तना दरख्त बनाया, जो आज आप लोग भी हैं उन्हीं के मरहूने मिल्लत हैं, न वो आम करते ना आज आप लोग होते। मुझे बहुत खुशी है
कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। मैं सब स्टाफ को और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और हमारा प्रोग्राम वैसे ही तवील हो गया। सबकी इतनी खूबसूरत और उम्दा परफॉर्मेंसेस थी, जिस कदर माँ बाप ने उनको सपोर्ट किया, टीचर्स का एक मोरल सपोर्ट। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने जो है मेरी नानी को इनवाइट किया, और इस तरह से एक ऑनर की बात है उनके लिए। और आप जिस तरह आप लोग का ये जो एक मिशन है स्कूल का, वो ही एक बहुत बड़ा मतलब एक चीज़ है, क्योंकि हर स्कूल में इस तरह की तदरीस का अमल या तालीम तरबियत जिस तरह का हर चीज़ आपने हर बच्चे को एक क्योंकि आपको पता है कि हम जिस तरह से होता है कि एक जो लाइमलाइट में बच्चे होते हैं उन्हीं को हम स्टेज परफॉर्मेंसेस का मौका देते हैं, पर एक पूरी क्लास को लेके चलना और एक एक बच्चे की परफॉर्मेंसेस, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आकर। और बस मैं क्योंकि स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी बहुत डाइवर्स चीज़ है, और किस तरह हमारे स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेडमेंट्स होते हैं, हम किस तरह थेरेपी करते हैं, क्या क्या उसमें डोमेन्स होते हैं, इन सब का लिए हम कोई और वक्त आयोजन होगा इंशाल्लाह, तो मैं ज़रूर आपको जो है इस पर एक स्पीच या फिर प्रेजेंटेशन दूंगी। पर मैंने एक नज़म लिखी थी जो कि स्टैमरिंग पर है, और मैं बड़ी जो है मुतासर भी हूँ, बिकॉज़ हमारे ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी यहाँ मौजूद हैं, हमने उनको काफ़ी सुना भी है, और हमारे वाइस चांसलर साहब यहाँ बैठे हुए भी हैं। तो आई फील वेरी वेरी ऑनर्ड हियर। तो मैं वो नज़म आप पढ़ रही हूँ जो स्टैमरिंग के हवाले से। तो एक स्टैमर जो बहुत करता है, उसको हर कोई कहता है ये कर लो वो कर लो, तो उन सबको एक तरह से वो चीज़ों को जैसे परेशान कुन हालत में एक चीज़ मतलब एक नज़म लिख रहा है, और वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ कि एक्सेप्टेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो जब एक इंसान एक्सेप्टेंस आ जाती है तो उसके लिए करना कुछ भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो हर चीज़ कर रहा है, और सिर्फ एक स्टैमरिंग की वजह से वो, क्योंकि कोई कमी नहीं है, वो एक उस तरह जिस तरह वायरिंग हमारे ब्रेन में हुई हुई होती है, तो वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, पर मैं वो नज़म पेश कर रही हूँ। आज उन रस्मों को तोड़ता हूँ, उन बेनकाब चेहरों को परखता हूँ, उन सोई हुई सोचों को झंझोड़ता हूँ, उन झूठी बातों से अपने दिल को दहलाता हूँ, उन फरीब किस्सों और वादों को धुंधलाता हूँ, और फिर उन बिखरी सांसों को समेटता हूँ, और बस फिर ये कहने पर मजबूर हो जाता हूँ कि हाँ यही है तल्ख हकीकतें, यही है इस ज़माने के फसाने। ए इंसान भागता क्यों है मुझसे, ए इंसान भागता क्यों है मुझसे, ज़रा तसल्ली से सुन तो ले मुझे, मेरे नामुकम्मल जुमलों को खुद पुर करने दे मुझे। कब क्यों और कैसे होती है, कब तक रहती है, दौरानिया क्या है और कब तक ठीक हो जाती है, बात भी ज़रा हैरत अंगेज़ है। बहुत से जवाब कई नौयत पर मबनी है, हाँ, पर एंजाइटी से लुकनत का होना या फिर लुकनत की वजह से एंजाइटी का दरपेश आना, इन सवालों पर साइंसी खोज अब भी जारी है। कई फर्जी बातें जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, हाँ, पर आपके रवैये और बर्ताव से लुकनत को बेहतर बनाया जा सकता है। बस अब कोई आओ इस कर्ब से निकालो हमें, इन जहनों को उभारो तो ज़रा, उठो इस कौम को जगाओ तो ज़रा, ये ज़माना भी तो है हमसे रवा, इसका एहसास दिलाओ तो ज़रा। चलता हूँ उन सोचों को उभार कर, इस ज़िंदगी की तलखियों के जाविये बतला कर। बहुत शुक्रिया।